सागर में भाग्योदय अस्पताल के बाजू में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। इसमें अगर प्रशासन तत्परता नहीं दिखाता तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि घटना के समय यहां मरीज, उनके परिजन और श्रद्धालु सहित सैकड़ों की संख्या में लोग थे। इस मामले में पुलिस ने बयान जारी किया है, यही जिसमें उन्होंने बताया कि इस नवदुर्गा के शुभ मुहूर्त पर हीरो लाया है। अभी बुकिंग करने पर 5,000 रुपए तक के कैश बेनिफिट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सेंट्रल मोटर्स हीरो शोरूम भगवानगंज और मकरोनिया सागर। थाना मोतीनगर क्षेत्र के भाग्योदय अस्पताल में शाम को लगभग 6 बजे भीषण आग लग जाने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई थी। घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों एवं फायर अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीना एवं सागर के साथ नगर पुलिस अधीक्षक यश बिजोरिया एवं सागर शहर के समस्त थाना प्रभारी मय बल के पहुंचे। वहीं पुलिस लाइन से 50 का बल घटनास्थल पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां एवं सेना की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल कार्रवाई कर आग को बुझाया गया। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीना संजीव उइके एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर लोकेश सिन्हा के निर्देशन में फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी तत्परता से आग को नियंत्रित कर लिया है और बड़े नुकसान को रोका है। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों एवं उनके किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित हैं। आग अज्ञात कारणों से लगी है जिसके संबंध में जांच की जा रही है। आगजनी में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी तत्परता से बड़े हादसे को रोकने में सफलता प्राप्त की है। इस नवदुर्गा के शुभ मुहूर्त पर हीरो लाया है। अभी बुकिंग करने पर 5,000 रुपए तक के कैश बेनिफिट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सेंट्रल मोटर्स हीरो शोरूम भगवानगंज और मकरोनिया सागर।